hello students today we will start chapter 2 the name of the chapter 2 is more on ms windows 10 ms windows 10 is an operating system today we will discuss about chapter number 2 the first topic of chapter number 2 is desktop background and screensaver first we will discuss little information about ms windows ms windows is an operating system an operating system is a system software that acts as an interface between the computer hardware and the user it also manages the resources of the computer system and does many other things it means हम यू कह सकते हैं कि ms windows जो विंडोज 10 है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर में इंटरफेस का काम करता है विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन नॉट वर्क ऑन ए कंप्यूटर एमएस विंडोज टेन इज ए हैज ए मेनी फीचर्स द इंपॉर्टेंट फीचर इज डेस्कटॉप बैकग्राउंड विंडोज डेस्कटॉप इज द स्क्रीन दैट एपियर्स वेन वी स्विच ऑन द कंप्यूटर इट इज आल्सो नोन एज द ओपनिंग स्क्रीन ऑफ विंडोज 10. विंडोज 10 के अंदर जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं और जो स्क्रीन एपियस होती है इन फ्रंट ऑफ आस्ट दैट इज कॉल्ड डेस्कटॉप बैकग्राउंड द बैकग्राउंड पिक्चर ऑफ विंडोज डेस्कटॉप इज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड इस डेस्कटॉप बैकग्राउंड को हम वॉल भी बोलते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज वॉल All the icons on the desktop are actually प्रजेंट ऑन द फोरग्राउंड ऑफ़ द डेस्कटॉप बैकग्राउंड द डेस्कटॉप बैकग्राउंड इज़ अ कलरफुल पिक्चर और अ सिंपल मोनो कलर स्क्रीन ये जो बैकग्राउंड होता है इसकी हम सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अभी जो वॉल पेपर है ये जो डेस्कटॉप बैकग्राउंड है इसको हम चेंज करते हैं तो इसमें हम कोई भी पिक्चर इसमें आ, सेट कर सकते हैं कोई भी जो भी पिक्चर हमें इसमें सेट करनी है कैसे करते हैं

प्रैक्टिकल भी बता रखा है यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे स्क्रीन पर तो एक लिस्ट एपपियर होगी इस लिस्ट के अंदर हमें सेलेक्ट करना है पर्सनलाइज ऑप्शन इस ऑप्शन के बाद में ये हम क्लिक करेंगे पर्सनलाइज ऑप्शन देन क्लिक द बैकग्राउंड ऑप्शन फ्रॉम द लेफ्ट पैन देन सेलेक्ट एनी ऑप्शन फ्रॉम द बैकग्राउंड फॉर एग्जाम्पल पिक्चर्स ये बैकग्राउंड है यहाँ से हम पिक्चर सेलेक्ट करेंगे देन सेलेक्ट एनी पिक्चर फ्रॉम योर फ्रॉम चूज योर पिक्चर यू कैन आल्सो क्लिक ब्राउज बटन टू एड पिक्चर सेव ऑन योर कंप्यूटर आप इन पिक्चर्स में से कोई भी एक पिक्चर सेव कर सकते हैं या अपने कंप्यूटर की मेमोरी से भी पिक्चर ले सकते हैं यू कैन एडजस्ट द पोजिशन ऑफ योर पिक्चर बाय सेलेक्टिंग एन ऑप्शन फ्रॉम चूज अ फिट फॉर एग्जाम्पल सेंटर उस पिक्चर में तीन ऑप्शंस होते हैं सेंटर है टाइल है और वन मोर ऑप्शन इज दियर सो यू कैन सेलेक्ट कि आप उसको कहाँ सेट करना है सेंटर में करना है पूरी स्क्रीन पर फिट करना है टाइल में करना है वहाँ भी आपको करना है द डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑफ योर कंप्यूटर चेंजेज अकॉर्डिंग टू द सेलेक्टेड ऑप्शंस जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका यह बैकग्राउंड चेंज हो गया सीन नाउ इन दिस मॉनिटर द बैकग्राउंड इज डिफरेंट एंड अपर वन इज डिफरेंट सो इट मीन्स हियर वी हैव चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द स्क्रीन द शॉर्टकट मैन्यू दैट अपीयर्स ऑन राइट क्लिकिंग द माउस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स मैन्यू और पॉप अप मैन्यू आपको यह लर्न रखना है कि जो शॉर्टकट मेन्यू अपीयर्स होता है अब हम यहाँ राइट क्लिक करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू और पॉपअप मेन्यू नेक्स्ट टॉपिक इज ओपनिंग स्क्रीन ऑफ ए टैबलेट अभी हमने डेस्कटॉप uh, पे किया था अब हम करेंगे टैबलेट पे टैबलेट पे भी मेनी पीपल आर यूजिंग नाउ इट इज टैबलेट व्हेन वी स्विच ऑन ए कंप्यूटर द डेस्कटॉप एफपीएस एज एज यू स्विच ऑन ए टैबलेट द ऑपनंग स्क्रीन ऑफ ए टैबलेट एफ पी एस एज इन अ कंप्यूटर द बैकग्राउंड पिक्चर ऑफ अ टैबलेट स्क्रीन ऑल्सो नोन एज वॉल पेपर जैसे हमने मॉनिटर uh, में किया कंप्यूटर में किया ऐसे ही हम टैबलेट uh, में भी जो बैकग्राउंड पिक्चर उसको चेंज कर सकते हैं कैसे चेंज करते हैं इसका पिक्चर टू चेंज द बैकग्राउंड पिक्चर वी हैव टू फॉलो द स्टेप्स क्या स्टेप्स है टैप आइकन फ्रॉम द हॉरिजेंटल बार एट द बॉटम ऑफ द टेबलेट स्क्रीन ये टेबलेट स्क्रीन का एग्जाम्पल दे रखा है इस यहां हम इसके जो हॉरिजोटल बार एट द बॉटम ऑफ द टैबलेट स्क्रीन अफियस यहां जो बॉटम में है बार हम है, क्लिक करेंगे तो कि लिस्ट एफर होगी इस लिस्ट में से वॉल पेपर ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट अल स्क्रीन एपियस देन वॉल पेपर ऑप्शन यू हैव टू सेलेक्ट देन सेलेक्ट द वॉल पेपर यू वॉन्ट एंड अगेन टैप सेट वॉल पेपर

Our inspiration at the rate of IT. IT means Information Technology. Uh, Gordon Murray and Robert Noyce are the founder of Intel. Intel ke do no founder hai. The Intel Corporation was founded in 1968. Intel stands for Integrated Electronics. Intel Core i7 is the latest core processor. Thank you.